हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शास की दुनिया। सो जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन। सो आज मैं बनाने जा रही हूँ दही वड़े। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर दही वड़े बनाने के लिए मैंने माश की दाल 2 आवर्स के लिए भिगो के रखना है, 2-3 आवर्स के लिए या 3-4 आवर्स के लिए। देखिए मैंने भिगो ली है। अब मैं इसे निकाल लेकर मिक्सर में पीस लूँगी और उसमें मैं यहाँ पर 2-3 ग्रीन चिलीज लिए हैं और उसमें मैंने 1/2 कट कर लेकर हमें इसे मिक्सर में ऐड कर लेना है। देखिए मैंने बैट पेस्ट बना लिया है माश की दाल का। तो चलते हैं नेक्स्ट टर्न। यहाँ पर मैंने 1 फुल स्पून सॉल्ट ऐड करना है। थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करूँगी मैं इसमें। तो सब मिला लेकर इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो ये मिक्स हो गया। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं ऑयल फुल भर कर डालूँगी क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो फ्राइंग की तरफ चलते हैं। और ये वड़े कैसे बनाते हैं इसका मेथड बताऊँगी मैं आपको। तो वड़े बनाने के लिए आप, अगर आपके पास कोई भी कॉटन क्लॉथ है या फिर कोई भी नॉर्मल क्लॉथ है तो आप ले सकते हैं। मैं प्रेफर कर रही हूँ कॉटन क्लॉथ। मैंने यहाँ पर एक कॉटन क्लॉथ लिया और उसमें थोड़ा सा इस तरह होल बना लिया है। होल बनाने के बाद मैं जो मैंने बैटर रेडी किया था वो मैं इसमें ऐड करूँगी क्लॉथ में। ये मेथड इसलिए ट्राई करना है ताकि हमारे वड़े गोल और अच्छे से बने। देखिए मैं किस तरह बनाऊँगी। देखिए मैंने बैटर ऐड कर लिया है। ये मेथड मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल वड़े नहीं बनाना चाहिए, मुझे उस तरह वड़े बनाने चाहिए जो बीच में होल आता है, या उस तरह होल टाइप वड़े बना रही हूँ मैं। तो देखिए मैं इसे इस तरह फोल्ड कर लूँगी और होल से मैं इसे ऑयल में राउंड फेरूँगी। ओ गॉड, ये किस तरह शेप में बन रहे हैं मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। देखिए मेरे वड़े इस शेप में बन चुके हैं। कोई बात नहीं, ये फ्राई हो जाए। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, मैं इसे निकाल लूँगी सभी को। देखिए हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो चलते मैं इसे निकाल लूँगी सारों को। सो लेट्स ट्राई अगेन। सो मैं फिर से उसी तरह इस तरह डाल लूँगी। तो फाइनली ये शेप में आ गए हैं। देखिए मेरा बीच में होल आ गया है। इस तरह मेरे करेक्ट शेप में वड़े बने हैं। आई होप ये अच्छे बने हैं, ऑलमोस्ट प्रॉपर है। तो मैं इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से। देखिए ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है और मैं इसे सारों को निकाल लूँगी। देखिए मेरे वड़े फ्राई हो चुके हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, मैंने यहाँ पर 1 लीटर दही लिया है। इसके बाद मैंने 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर ऐड करना है उस दही में और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और याद रखें हमें इसे दही में कोई भी लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। इसके बाद मैं दही में 1 फुल स्पून सॉल्ट ऐड करना है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट टेस्ट के लिए, और इसे मिक्स कर लिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 प्याज और 1 हरी मिर्च ली है दही में ऐड करने के लिए। तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो प्याज और हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम जो मैंने वड़े तल लिए थे वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। एक एक करके सारे वड़े हमें इसमें दही में डाल देना है ताकि ये अच्छे से भीग जाए और अच्छे से बने। थोड़ा टेढ़े मेढ़े है बट ऑलमोस्ट प्रॉपर शेप में है। बीच में होल आया है, मेरे वड़े प्रॉपरली बने हैं ऑलमोस्ट। वो फर्स्ट थोड़े से बड़े फर्स्ट अटेम्प्ट के हैं जो मैंने, वो भी ऐड कर लिए हैं। तो मैं इस वड़ों को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये दही में अच्छे से भीग जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं ऑयल डाल लूँगी। यहाँ थोड़ा सा करी पत्ता, थोड़े से रेड चिली और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। मैं इसमें बघार डाल लूँगी। तो हमें इसे फ्राई कर लेना अच्छे से। इसमें दही वड़े में बघार डालूंगी और इसे क्लोज़ कर दीजिए। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद हमें 2 आवर्स के लिए इसमें फ्रिज में रखना है ताकि दही वड़े अच्छे से बने। तो फाइनली 2 आवर्स के बाद मैंने निकाल लिया है, मेरे दही वड़े बन चुके हैं प्रॉपर।
आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहे हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ईजी है दही बड़े बनाना, मैंने भी पहली बार बनाए हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा मेथड वो था बनाने का। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।